वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आपका ऑफिशियल न्यूज आ चुका है कि आपका ग्रुप बी का रिजल्ट कब आने वाला है, आपके आंसर की कब आने वाली है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, जब आपको पूरा समझ में आने वाला है कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपकी आंसर की आएगी, कब आपका PET होगा। और दोस्तों जो पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको रेलवे की दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर न्यूज देता हूँ जो भी आपकी ऑफिशियली दोस्तों न्यूज होती है। दोस्तों हमें यहाँ पर इन खबर की दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट पर जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा यह आर्टिकल पब्लिश है, RRB ग्रुप डी रिजल्ट आंसर की 2018, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की आंसर की और रिजल्ट का संभावित डेट आया सामने। दोस्तों पूरी न्यूज़ को जानते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है ये हमारी 25 दिसंबर आज रात की दोस्तों न्यूज है। सबसे पहले दोस्तों कोई भी न्यूज है सबसे पहले मैं आपको लाता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और पूरी न्यूज़ को दोस्तों जानते हैं विस्तार से। देखिए हमारा इसमें बताया गया है साफ साफ, नई दिल्ली रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड RRB जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में ग्रुप डी के लिए आयोजित हुई परीक्षा की आंसर की जारी करेगा। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि आपकी दोस्तों जो आंसर की है जनवरी के पहले सप्ताह में आंसर की आपकी जारी करेगा, ठीक है। ग्रुप डी परीक्षा के नतीजे जनवरी के आखिरी सप्ताह में जारी करेंगे। दोस्तों बहुत ही बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है आपके सभी के लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी के आखिरी सप्ताह में यहाँ पर आपको मिलने लगेगा या आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ठीक है। RRB के वरिष्ठ अधिकारी अंगराज मोहन ने बताया है कि ग्रुप डी की आंसर की तैयारी की जा चुकी है। दोस्तों जो RRB के हेड हैं वरिष्ठ अधिकारी अंगराज मोहन जी, उन्होंने बताया कि आंसर की तैयारी की जा चुकी है, ठीक है। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण आंसर की अभी जारी नहीं किया गया। दोस्तों ये आपके आंसर की बहुत पहले ही आ जाता था, जो आपका 25 से यहाँ पर 30 दिसंबर के बीच ही आ जाता था, लेकिन यहाँ पर क्रिसमस और हमारी नई साल की छुट्टी है इसलिए अभी जारी नहीं किया जाएगा, आपका जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। मोहन ने बताया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में आंसर की और जनवरी के आखिरी सप्ताह में ग्रुप बी की परीक्षा के नतीजे दोस्तों यहाँ पर साफ साफ घोषित किए जाएंगे, आपको दिख रहा होगा साफ साफ मेंशन है आपको, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। और नीचे बताया गया है रेलवे में ग्रुप डी की निकली भर्तियों की 17 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चली थी। दोस्तों आपको बताया गया परीक्षा हमारी 17 सितंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चली थी। जिन कैंडिडेटों ने ग्रुप डी परीक्षा दी है वे रेलवे की वेबसाइट पर जनवरी के पहले सप्ताह में आंसर की और जनवरी के आखिरी सप्ताह में अपना नतीजे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे मेंशन है कि आपकी जो जनवरी के दोस्तों पहले सप्ताह में आपकी आंसर की और जनवरी के आखिरी सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आंसर की के देखने के लिए कैंडिडेट को अपना लॉगिन आईडी के जरिए आधिकारिक वेबसाइट को खोलना होगा। अपना आईडी और पासवर्ड दर्ज करके कैंडिडेट इसे एक्सेस कर पाएंगे। दोस्तों आपको जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका डालना पड़ेगा और आपका वेबसाइट यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और आप इसको दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पूरा नीचे बताया गया है दोस्तों, बहुत ही बड़ा यहाँ पर दोस्तों न्यूज है। देखिए आपको मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, आपका दोस्तों रिजल्ट है वो जल्द से जल्द यहाँ पर जारी हो जाएगा। दोस्तों जनवरी के दोस्तों आपको लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पर आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी आंसर किया जाएगी। दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी दोस्तों को बताइए कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है। सभी के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने दोस्तों बताया था रात में कि हमारा जो ग्रुप डी का दोस्तों रिजल्ट है वो आपका जनवरी के लास्ट वीक में और आपकी आंसर की है वो यहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों इसने जो द इंडियन एक्सप्रेस दोस्तों इसने बताया था ELP में हर एक दोस्तों इसकी न्यूज़ है वो बिल्कुल सही हुई थी। दोस्तों हमें दोनों में विश्वास कर सकते हैं, दोनों न्यूज़ हमारी बिल्कुल सच है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।